हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल, दिस इज स्टडीज। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ इन द डेजर्ट्स। एंड हम क्लास 7 की ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। एंड प्रोबेबली ये जो चैप्टर रहेगा वो आपका लास्ट चैप्टर रहेगा इस क्लास का। एंड इसके बाद जो हमारी जो क्लास 7 है वो ओवर हो चुकी होगी। एंड इससे जो पहले हमने क्लास 6 की ज्योग्राफी कर ली थी, क्लास 7 हमारी ऑलमोस्ट ओवर हो गई है इस क्लास के बाद। सो आज हम देखेंगे लाइफ इन द डेजर्ट्स, मतलब कि आपके जो डेजर्ट्स हैं वहाँ पर कौन कहाँ से, मतलब कैसे लाइफस्टाइल है वो अपना जो जीवन है वो व्यतीत करते हैं, ठीक है। सो इसमें हमारे जो डेजर्ट्स है, फॉर एग्जांपल दो प्रकार के डेजर्ट्स होते हैं। एक हो गए कोल्ड डेजर्ट्स और ये हो गए आपके हॉट डेजर्ट्स। ठीक है। सो अगर हम बात करें हॉट डेजर्ट्स, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जब आपकी विंड ब्लो करेगी, मतलब आपके देखोगे आपकी यूं ब्लो करेगी, सो आपका मॉइस्चर जो है वो कैरी नहीं कर पाएगी, मतलब ज़्यादा देर तक नहीं करेगी। यहाँ पर तो कुछ एक जो एरियाज हो गए वो यहाँ पर रहेगी, बट जब आपकी ज़्यादा ट्रैवल करेगी तो यहाँ पर, जब यहाँ पर देखोगे आपका इतना रेनफॉल नहीं होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ एक जो आपके वेस्टर्न मार्जिन होते हैं आपके कॉन्टिनेंट के, वहाँ पर आपको दिखाई देता है डेजर्ट्स और वहाँ पर दिखाई देते हैं हॉट डेजर्ट्स। ठीक है। सो ये मेन रीज़न रहता है आपका हॉट डेजर्ट्स के आपके क्रिएट होने के पीछे। एंड कोल्ड डेजर्ट्स हम नेक्स्ट जो फर्दर जो आपकी क्लासेस रहेंगी उसमें डिस्कस करने वाले हैं इनको। सो जैसे कि आप देखते हैं सहारा डेजर्ट हमारा यहाँ पर पाया जाता है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर पाया जाता है आपका, और ये है आपका साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो ये जो डेजर्ट है आपका लार्जेस्ट डेजर्ट है आपका ऑफ द वर्ल्ड, और ये जो आपका कौन कौन सी कंट्रीज में फैला है, तो अगर आप देखोगे तो ये आपका अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मोरिशियाना, मोरक्को, नाइजर, सुडान, टूनिशिया, वेस्टर्न सहारा, इनके जो एरियाज है यहाँ पर, ये जो डेजर्ट है सहारा डेजर्ट वो यहाँ पर पाया जाता है। और आपको पता है कि यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो काफ़ी हॉट रहेगा, हॉट एंड पार्च ड्राई। ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे, अगर आपने कभी डिस्कवरी देखी होगी, सो वहाँ पर आपने देखा होगा कि डेजर्ट्स में आपके काफ़ी जो एनिमल्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, कम जो इन जो कंडीशंस होती हैं वो इनको अडेप्ट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल कैमल्स हो गए, हाइनास हो गए, जैकल्स हो गए, फॉक्सेस हो गए, स्कॉर्पियंस हो गए, स्नेक्स हो गए, लिजर्ड्स हो गए। ये आपने डिस्कवरी में भी देखे होंगे, जब आप कई बार जब आप डिस्कवरी में देखते हो तो वहाँ पर ऐसे ऐसे, मतलब मोस्टली आपके जो डेजर्ट्स वाले इलाके में ये जो वो होते हैं फॉनल या फिर एनिमल्स होते हैं ये पाए जाते हैं। ठीक है। और जो फ्लोरा होते हैं वो होते हैं फॉर एग्जांपल कैक्टस हो गया, डेट हो गए, पाम्स हो गए। एंड जब हम नेचुरल वेजिटेशन डिस्कस कर रहे थे तो हमने उसमें भी देखा था इसके बारे में। सो यहाँ पे जो लोग हैं मोस्टली आपके ट्राइब्स भी रहते हैं। ठीक है। सो जो मोस्टली जो आपके मोस्ट प्रोमिनेंट ट्राइब्स हैं वो है आपके बडाविन ट्राइब्स एंड टुआरेग ट्राइब्स, और ये मोस्टली रहते हैं आपके नोमैड्स। नोमैड्स मैंने पहले भी डिस्कस किया है, काफ़ी वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया है नोमैड्स। नोमैड्स क्या करते हैं आपके, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं विद देयर हर्ड्स, एंड इनका जो मेन रीज, और ये जो हर्ड्स है इन्हीं से इनका सारा गुजारा होता है। फॉर एग्जांपल कुछ एक जो ट्राइब्स रहते हैं अपने साथ जो आपके एनिमल्स लेते हैं, लेके चलते हैं, या तो फिर उनके साथ मतलब लेके चलते हैं। ठीक है। सो ये आपके मीट के लिए भी यूज़ होते हैं, प्लस इनका आपका ये डाइट में भी यूज़ करते हैं, मीट के रूप में इनको यूज़ तो होता ही है, बट इनका डाइट के रूप में भी यूज़ करता है, प्लस इनका ट्रांसपोर्ट में भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। प्लस जब आपके विंटर्स आते हैं तो इनकी जो खाल होती है इनको उतार के, मतलब ये मतलब एक कपड़े भी बना सकते हैं इनसे, मतलब सब मोस्टली आप देखोगे तो इन्हीं से आपका जो, मतलब इनके साथ जो हर्ड चला होता है एनिमल्स का हर्ड, उन्हीं से इनका सारा जो गुजारा होता है वो निकल रहा होता है। ठीक है। और एनिमल्स से कुछ एक अगर जो दूध देने वाले एनिमल्स हैं तो उनको उनका जो दूध है बेचकर, मतलब काफ़ी अपना जो लाइवलीहुड है वो अर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके इनमें के गर्ड्स, मतलब हर्ड्स में देखो तो आप इनमें होंगे गोट्स हो गया, शीप्स हो गए, कैमल्स हो गए, हॉर्सेज हो गए, जिनका आपका यूज़ होता है आपका मिल्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इनको, लेदर के लिए, स्लीपर्स के लिए, और इजिप्शियन कॉटन भी यहाँ पर पाया जाता है, मतलब इनमें डेजर्ट वाले इलाके में।
जहाँ पे ओसिस होता है, ओएसिस होता है, जहाँ वहाँ पर आपके क्रॉप्स भी ग्रोन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ, आपका ओएसिस वो एरिया होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ एक सैंड है, ठीक है, और विंड ब्लो कर रही है, ठीक है, तो ये आपके ऊपर का जो एरिया है ये इसको ब्लो करके ले जाती है, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका ग्राउंड वाटर होता है वो आपका दिखना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है अपर लेयर्स में पहुंच जाता है, मतलब रीच मतलब अपर सरफेस की तरफ होता है, ठीक है, और इसकी वजह से जो आपका ओसिस फॉर्म होते हैं, और ये जो देख सकते हो आप यहाँ पर वाटर अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपका ये जो एरिया होता है काफी फर्टाइल होता है, और इसके अराउंड आपके हार्वेस्ट भी किया जाता है, क्रॉप और एग्रीकल्चर भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर राइस हो गई, वीट हो गई, बार्ली हो गई, ऐसी ऐसी क्रॉप्स यहाँ पर उगाई जा सकती हैं। अगर इसका एग्जाम्पल है ओएसिस का, तो वो है टफिला लेथ ओएसिस इन मोरक्को। एंड सेकंड टाइप के जो हमने अभी पहले जो थोड़ा सा एग्जाम्पल देखा था, वो हमने देखा था साउथ अफ्रीका में जो आपका सहारा डेजर्ट है उसका एग्जाम्पल देखा था, बट अब हम देख लेते हैं कोल्ड डेजर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल लद्दाख, ठीक है, लद्दाख का जो एरिया है उसके में जो कोल्ड डेजर्ट है वो उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपका यहाँ पर आपके कई बार काफी जो टूरिस्ट होते हैं काफी यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पर ये काफी मतलब टूरिस्ट एक्टिविटी के लिए काफी फेमस है, जो लद्दाख वाला एरिया है, तो एक टूरिस्ट एक मेन पर्पज मेन वो रहता है इनका, एक्टिविटी रहती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी रहती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर फ्लोरा की बात करें, तो यहाँ पर आपके स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रेनफॉल रहता है वो कम रहता है, एंड स्क्रब्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं वो रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाइल्ड गोट्स हो गई, शीप्स हो गई, याक हो गई, डॉग हो गया, और ये आपके मोस्टली रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिल्क के लिए भी इनका यूज किया जा सकता है, इनका शीप्स का, गोट्स शीप का नहीं गोट का, एंड मीट के लिए भी इनका यूज किया जाता है, एंड हाइट्स के लिए भी इनका यूज किया जाता है। और जो लद्दाख है आपका वो आपका खपाचाम के नाम से भी जाना जाता है। एंड चीरू एक जो एक तिब्बतन एंटेलोप है, यहाँ पर एक एंडेंजर्ड है वो स्पीसीज है ये चीरू तिब्बतन एंटेलोप, और इसकी जो वुल होती है वो इसको इसके वुल के लिए हंट किया जाता है, क्योंकि ये काफी पतली होती है बट ये काफी एक्सट्रीमली वार्म होती है, इसको इसलिए हंट किया जाता है, और इसकी वजह से जो ये स्पीशीज है आपके एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गई है इसकी वजह से। लद्दाख है आपका दो वर्ड से बना है, जिसमें लद्दाख, ल का मतलब होता है माउंट माउंटेन्स, और डाक का मतलब हो गया कंट्री, ठीक है, तो लद्दाख इज अ माउंटेनियस कंट्री, ठीक है। और अगर आप इसको देखो, इसके जो नॉर्थ साइड में होते हैं वो होते हैं, यहाँ पर पाई जाती है काराकोरम रेंज, ठीक है, और इसके बीच में होता है लद्दाख, और इसके नीचे जो साउथ में है वो है आपकी जांस्कर रेंज, ठीक है, और इसके जो ईस्टर्न साइड है वो पाई जाती है यहाँ पर ग्रेट हिमालयन रेंज इन ईस्टर्न साइड। फॉर एग्जांपल अगर मैं लद्दाख की लोकेशन देखूँ, तो ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर है काराकोरम, फिर होता है लद्दाख, ठीक है, फिर यहाँ पर है जांस्कर, नॉर्थ में आपका स्टार्ट हो गया काराकोरम, और साउथ में है आपका जांस्कर, और यहाँ पर ग्रेट हिमालयाज हैं, ग्रेट हिमालयन रेंज। और ये जो आपके जो कोल्ड डेजर्ट या फिर लद्दाख है, ये आपका मोस्टली ये पाया जाता है आपका रेन शेडो रीजन ऑफ हिमालयाज। एंड रेन शेडो रीजन आपको पता है, जैसे जब हम आपके वो कर रहे थे, आपके रेनफॉल देख रहे थे, टाइप्स ऑफ रेनफॉल देख रहे थे, तो हमने तीन प्रकार की रेनफॉल्स देखी थी, ठीक है, उसमें हमने साइक्लोनिक देखी थी, और इसमें ओरोग्राफिक देखी थी, और कन्वेक्शनल देखी थी। जो ओरोग्राफिक थी उसमें आपके यहाँ पर जैसे माउंटेन है, ठीक है, यहाँ पर देखोगे आप विंड यहाँ से राइज करेगी, ठीक है, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इसके वजह से क्लाउड्स होंगे, क्लाउड्स की वजह से प्रेसिपिटेशन होगा, यहाँ पर तो आपके रेनफॉल हो रहा है, बट यहाँ पर जो एरिया है इसके जो आपके बैक में है, इसके बैक में यहाँ पर आपके रेनफॉल नहीं हो रहा है, ठीक है, इसको कहा जाता है रेन शेडो
रीजन, ठीक है। एंड जैसे कि आपको पता है यहाँ पर ये जो लद्दाख हो गए, ये आपके मतलब यहाँ पर इसके पहले आपके जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं हिमालयन, जो आपके रेंज को ब्लॉक करते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर ये रेन शेडो एरिया में पाया जाता है, ठीक है। और इसका जो समर्स रहते हैं वो उनका टेम्परेचर रहता है अराउंड 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हो यहाँ पर हिमालयस हो गए, ठीक है, और इसके रेन शेडो एरिया में पाया जाता है, और ये जो हिमालयस है प्रिवेंट करते हैं आपको यहाँ पर, ताकि रेनफॉल ना हो, और इसकी वजह से यहाँ पर डेजर्ट क्रिएट होता है, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट क्रिएट होता है। और इसकी वजह से जो समर्स रहते हैं यहाँ पर रहते हैं अराउंड 0 डिग्री, ठीक है, और नाइट टेम्परेचर फॉल करता है बिलो -30 डिग्री सेल्सियस, और जो विंटर रहते हैं वो काफ़ी फ्रीजिंग कोल्ड रहते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी समरी देखें तो हमने इसमें देखा नेचुरल वेजिटेशन जो थी यहाँ के, आपके यहाँ पर ड्राई स्क्रब्स और आपके ग्रासेस श्रब्स हो गई, इस प्रकार के जो आपके यहाँ पर वेजिटेशन है वो पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ का जो क्लाइमेट रहता है वो रहता है आपका हॉट एंड पार्च ड्राई, ठीक है। और यहाँ के जो लोग रहते हैं, जो हमने देखा था आपके सहारा में, वो थे आपके नोमैडिक, जो आपका वो करते हैं नोमैड्स होते हैं मोस्टली, एंड इनका जो आपका लाइवलीहुड रहता है इनके हर्ड से होता है, जो एनिमल हर्ड्स होते हैं इनके वो रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें कुछ एक गोट्स थी, हमने गोट्स देखे थे, कैमल्स देखे थे, शीप हो गई, इनके बारे में हमने बात किया था। एंड वहीं पर आपके कोल्ड डेजर्ट्स हो गए, कोल्ड डेजर्ट्स हमने बता दिया कि यहाँ पर आपके कोल्ड डेजर्ट क्यों थे, और यहाँ पर ये मोस्टली पाए जाते हैं आपके रेन शेडो रीजन में, ठीक है। और कुछ एक जो यहाँ पर फॉनल थे वो आपके पाए जाते हैं, जैसे कि आपके शीप हो गया, गोट हो गया, प्लस इन सब का यूज़ आपका मिल्क के लिए यूज़ होता है, ये फॉर एग्जांपल लेदर के लिए यूज़ होता है, इस प्रकार से इनका यूज़ रहता है आपका फॉनल का, ठीक है। और वहीं पर देख सकते हो आप यहाँ पर रेनफॉल कम होता है, तो इसके बस यहाँ पर स्क्रब्स वगैरह हो गई, ड्राई श्रब्स हो गई, ये सब आपके जो यहाँ पर ग्रासेस मतलब जो वेजिटेशन है वो यहाँ पर पाई जाती है। एंड उसी के हिसाब से यहाँ के जो लोगों ने अपना जो लाइफस्टाइल है वो चेंज किया है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। एंड यहाँ पर हमने जो क्लास 7th की जो ज्योग्राफी है ऑलमोस्ट कवर मतलब खत्म कर दी है, इसके बाद हम क्लास 8th की जो ज्योग्राफी है वो कवर करने वाले हैं।